साहब, जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जाहिर है कि इसमें अपने अपने हिसाब से बातचीत कर रही है। राहुल साहब के पास अभी हम जाएंगे, आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरा मसला सुना, ग्रैप 4 का हिदायत दिया और कहा कि जब तक हम ना कहें तब तक इसको हटाना नहीं है, ग्रैप 3 को लागू करने में देर कर दी। मसला क्या है? क्यों ले दे के फिर हम पराली पर लड़ने लगते हैं, राज्यों की राजनीति होने लगती है? आतिशी कहती हैं कि हरियाणा वाले ज़्यादा जलाते हैं, यूपी से बढ़ गई है, वो कह रहे हैं कि पंजाब में ज़्यादा जलती है, लेकिन असल में क्या है, फैक्ट्स क्या हैं? सर, पहले तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा देरी से जुड़ने के लिए। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। हाँ, कोई बात नहीं। सर, जी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम पे, आपके चैनल पे बहुत बार कहा है कि पराली जो है प्रदूषण का कारण नहीं है, जी ये पॉलिटिकल प्रदूषण का कारण है। असली कारण प्रदूषण के ये लोग असेस नहीं करते। मैंने हिमांशु को 2-3 डॉक्यूमेंट भेजे थे, पता नहीं आप दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे। असली कारण प्रदूषण का है आपके थर्मल पावर प्लांट्स। अब मैं छोटा सा आम आदमी की तरह समझाना चाहता हूँ। जी पराली बिल्कुल। का धुआं, पराली के धुएं में इतनी फोर्स नहीं होती कि वो 200 मीटर ऊंचा चला जाएगा। विंड डायरेक्शन भी नहीं है, विंड स्पीड भी नहीं है, और मॉइस्चर है ऊपर से। जी ठीक, अब जो हम स्मॉग देख रहे हैं ये कहां से आ रहा है? अगर आप थर्मल पावर प्लांट की चिमनी देखेंगे कितनी ऊंची होती है और कितनी बड़ी होती है। आज ही इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट जारी करी है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं दिल्ली के चारों ओर, वो लगभग 16 गुना ज्यादा प्रदूषण पराली से करते हैं। जी तो जब ये थर्मल पावर प्लांट का सॉक्स, नॉक्स, ऐश और कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब मिलके चिमनी से ऊपर जाते हैं, तो बड़ी फोर्स के साथ पहले अपर एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। जी तो जब ये अपर एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, मॉइस्चर की वजह से ये नीचे आना शुरू होते हैं। दूसरा कारण है आपका, मैं आज भी अगर बाहर था थोड़ी देर पहले, जब लिफ्ट में चढ़ रहा था, तो आई कुड स्मेल के केरोसिन। एविएशन दूसरा सबसे बड़ा कारण है पोल्यूशन का, क्योंकि एविएशन जो कंज्यूम करती है फ्यूल, वो एटीएफ कंज्यूम करती है। एटीएफ जो है, ये वाली चीज मैंने भी 1-2 दिन पहले फील की, कि एक जो केरोसिन वाली जो स्मेल है हाँ जी, वो घूम रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, जी, तो एटीएफ जब जलता है, ये 85% प्योरिटी केरोसिन है। जब ये जलता है तो इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, PM2.5, एटीएस को थोड़ा एविएशन सा समझा दीजिए सरल भाषा में। टरबाइन फ्यूल बोलते हैं अच्छा, इसको। जैसे गाड़ियों में जो पेट्रोल डलता वैसे हवाई जहाज में डलता है। है, वैसे हवाई जहाज में एविएशन टरबाइन फ्यूल डलता है। जी, तो ये जब केरोसिन जलता है तो ये ऐश भी छोड़ेगा, PM2.5 भी छोड़ेगा, PM नैनो पार्टिकल भी छोड़ेगा, PM10 भी छोड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ेगा, बहुत सारी गैसें साथ में आती हैं। तो मेरे पास 2011 से लेके 2021 तक का DPCC का डाटा था एयरपोर्ट पोल्यूशन के ऊपर। आप मानेंगे नहीं, जुलाई 2019 में PM10 कोर्स जो है एयरपोर्ट के ऊपर 1500 से लेके 8821 तक गया है। तो मतलब आप ये देखिए कि अगर एयरपोर्ट के ऊपर 8821 है, तो ये एयरपोर्ट पे तो रहेगा नहीं, ये स्प्रिंकल करेगा, स्प्रेड करेगा, थोड़ा जिस तरफ की विंड डायरेक्शन है उधर डिस्पर्स करेगा। जब मैंने DPCC से 2022, 23 और 23, 24 की रिपोर्ट मांगी, तो इनके कान खड़े हो गए। इन्होंने कहा जी, हमने CAQM मॉनिटरिंग स्टेशन ही बंद कर दिया है। अगर आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन देखेंगे, तीनों स्टेशन पे कंजेशन रहता है, वहां पे पोल्यूशन का CAQM मॉनिटर नहीं लगा हुआ। अब दिल्ली के तीन अरावली, आर्टिफिशियल अरावली जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनमें से मैक्सिमम प्रदूषण होता है, वहां भी CAQM मॉनिटर नहीं लगा हुआ। अब आ जाए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर, वहां भी CAQM मॉनिटर नहीं लगा हुआ। मैंने एक मेरे पास रिपोर्ट है CSIR नीरी की, 2018 की।
उसमें सब तरह का पोल्यूशन है, कारों का मिनिमल है। तो ये तो जो आप बता रहे हैं सब जो मीटर्स वहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, आप दिल्ली एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे हो, आप दिल्ली हाँ के जो वो खूबसूरत कूड़े के पहाड़ हैं, जैसे आप दिल्ली में एंट्री हाँ करते हो रात को भी आओ हाँ तो वो जो बदबू है वो बता देती है कि आप दिल्ली में आ गए हो। आगे नोएडा बिल्कुल नोएडा बिल्कुल की आप खूबसूरत सड़कों में घूमो तो वो जो गंदे हाँ नाले वहाँ पे खुले हुए हैं वो बता देते हैं कि हाँ आप नरक की सड़कों पे चल रहे हैं, है ना। तो